dame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं सुमन असवाल। आप देख रहे हैं एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही एसएसए मैजिशियन यूट्यूब चैनल पे और आज की फ्रेश कमाल की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉप मैजिक ट्रिक लेके आया हूं। तो अगर आप मैजिक को सीखना चाहते हो, जादू देखना चाहते हो, तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आप समझ पाओगे कि मैजिक को परफॉर्म कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होता है, इसका ट्यूटोरियल क्या होता है। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक लाइक कर देना यार, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नई और कमाल की इंटरेस्टिंग मैजिक वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक आएगा सबसे पहले, आप इसे देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आज मैजिक ट्रिक होने वाली है रॉप की, जो कि आपने देखा होगा जादूगर लोग रस्सी को कमर से आर पार कर लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वही मैजिक मैं पहले आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि इसे परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, इसे आप लोग कैसे कर सकते हो, मैंने कैसे किया, अदर जादूगर कैसे करते हैं। तो चलो यार, बिना के आपको बोर शुरू करते हैं जादू का स्टोर। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक नॉर्मल सी रॉफ है, जो कि काफी मजबूत रॉफ है। आप लोग देख सकते हो ये रॉफ जो है काफी मजबूत है, और ये रॉफ आप लोग देख सकते हो, दो रॉफ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। देख लो, मेरे पास दो रॉफ अवेलेबल हैं, जो कि किनारा इनका अलग अलग है। आप लोग देख सकते हो अलग अलग किनारा, एकदम दो रॉफ मैंने इकट्ठी कर रखी है। मेरे कमर को भी चेक कर ले, मेरे कमर पे जो है, यानी कि पेट पे कमर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई भी दूसरी रस्सी मैंने नहीं लगा रखी है, और मेरे पास एक ही रस्सी है जो कि मेरे हैंड्स पे है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों के सामने ही इस रस्सी को पीछे लेके जाऊंगा। ये दो रस्सी है आप लोग देख सकते हो, और मेरे कमर पे कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कोई भी रॉफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये ना सोचे कि यहाँ के अंदर कोई रॉफ छुपा रखी है, भाई रॉफ यहाँ से अंदर भी कोई रॉफ नहीं है। ठीक है, अभी इसको, ये जो रॉफ है इससे ही मैजिक दिखाएंगे। पहले आप लोग देख सकते हो एकदम नॉर्मल सी रॉफ है, आप लोग देख लीजिए रॉफ एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल सी रॉफ है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं, कोई कलाकारी नहीं, भाई एकदम नॉर्मल रॉफ है। और नॉर्मल रॉफ हम क्या करेंगे, इस रॉफ को पीछे लेके जाएंगे। देखो, आप लोगों के सामने पीछे लेके जा रहा हूं, और पीछे लाने के बाद मैं क्या करूंगा, इस रॉफ को ऐसे यहाँ पे कमर पे बांधूंगा। अभी आप लोग देख सकते हो रॉफ जो है पीछे जा रखी है, एकदम पीछे। अब पीछे मैंने एक ही रॉफ लेके जा रखी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रॉफ को जो है, ये जो कमर पे रॉफ बांधी हुई है, इसको क्या करेंगे, गांठ मारेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक गांठ मार दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी एक गांठ मारेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने रॉफ की अच्छी से गांठ मार दी है, यानी कि यहाँ पे एक गांठ, ओरिजिनल गांठ लग गई है। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस रॉप को खींचूंगा, तो शायद मेरा कमर जो है काफी टाइट हो जाएगा। तो हम मैजिक करते हैं, अबरकडबरा गिली 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 छू, अबरकडबरा गिली 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 छू, हम मैजिक से रॉप को प्रेस करते हैं, और आप लोग देख सकते हो रॉप जो है बाहर आ चुकी है। तो आपने देखा रॉप पे जो है एक गांठ मार चुकी है, और रॉप जो है कमर से आर पार हो चुकी है। तो ये मैजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कमाल का है। मैंने रॉप को पीछे बांध दिया था, और दोबारा से रॉप जो है ऑटोमेटिक ही बाहर आ गई है। सो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको मैजिक क्लिप दिखाई, जो मैंने आपको मैजिक दिखाया, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मैजिक रॉप मैजिक अच्छा लगा, जो मैंने रस्सी कमर से आर पार कर दी है, तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई और कमाल की इंटरेस्टिंग मैजिक वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन जो आप तक आएगा सबसे पहले, आप इसे देख पाएंगे एंड सीख पाएंगे। तो यार, मैं इस चैनल पे जितनी भी मेरी वीडियो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैजिक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को लास्ट में सिखाता भी हूँ कि इस मैजिक को आप लोग कैसे कर सकते हो, मैं कैसे करता हूँ, अदर जादूगर कैसे करते हैं। इसलिए बोलता हूँ वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे इस मैजिक की भी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इसके ट्रिक है ट्यूटोरियल पे यार। तो यार, एक बार मैं आप लोगों को ट्रिक बताने से पहले, बिना वॉइस के, मतलब बिना बोले हुए, दोबारा इस मैजिक को दिखाना चाहता हूं। तो इसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि मैंने कैसे किया, आप लोग कैसे कर सकते हो। तो एक बार बिना वॉइस के आप लोगों के सामने,
toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que... देखे इस सेकंडों के हिसाब से रॉप जो है शरीर के आर पार हो चुकी है ये देखो आप लोग यहाँ पे रॉप आ चुकी है सो यार इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको दो रॉप की जरूरत पड़ेगी यानी कि दो रस्सी जो कि काफी मजबूत होनी चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए काफी मजबूत रॉप आपको लेनी पड़ेगी ठीक है ये रॉप दोनों अलग अलग होगी बट दोनों बराबर होगी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इस रॉप को बराबर कर देना है यहां से और यहां से उसके बाद आपको इसको ऐसे में भी बराबर कर देना है ऐसे में आपको यहां से चारों जो इसके किनारे हैं वो भी आपको बराबर कर देने हैं और चारों किनारों को बराबर करके जो इसका सेंटर होगा बीच पे वहां पे आपको क्या करना है एक रील का धागा लेना है रील का आप समझते होंगे मतलब जिससे मशीन की सिलाई करते हैं आप लोग देख सकते हो आपको टेलर्स की दुकान पे नहीं तो किरियाने की दुकान पे भी ये मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है सिलजर से धागे का एक पीस कट कर देना है जैसे कि मैंने सिलजर से धागे का एक पीस कट कर दिया है और इसको आप हटा दें रील को आप हटा दें रील की जरूरत अब आपको नहीं है ठीक है तो धागे का एक पीस ले लिया आप लोग देख सकते हो छोटा सा एक धागे का पीस ले लिया इसको क्या करना है सेंटर पे सिंगल राउंड ध्यान रहे सिंगल राउंड आप लोग देख सकते हो सिंगल राउंड क्या करना है इसे बांध देना है इस पर दो गांठ मार दो सिंगल राउंड की क्योंकि आप डबल ट्रिपल राउंड ना करें एक राउंड हो गया अभी आप दूसरा राउंड यहां पे ऐसे मार दें ठीक है तो जैसे ही आप दूसरा राउंड मारोगे ऐसे तो आपको क्या करना है दूसरे राउंड में यहां से एक्स्ट्रा पार्ट जो है गांठ के ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट कर देना है तो जैसे ही आप उसे कट कर दोगे तो यहां पे जो है दिखाई नहीं देगा और ये रील का जो धागा ये व्हाइट ही होना चाहिए जिस कलर की आपकी रॉफ होगी उसी कलर का जो ये धागा होना चाहिए क्योंकि ये धागा अलग अलग कलर में मिल जाता है इसीलिए बोल रहा हूँ जिस कलर की रॉप उसी कलर का धागा ताकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी डाउट नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मैंने धागा बांध रखा है जबकि मैंने धागे से रस्सी को बांध रखा है आप लोग देख सकते हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपना अंगूठी या उंगली रखनी है थंब भी रख सकते हो और फिंगर मिडिल फिंगर भी रख सकते हो यहाँ पे ऐसा रखना है जहां पे धागा बांधा हुआ है बाद बाकी आप रस्सी को ऐसे खींचे ऐसे दिखाएं पर ध्यान रहे ये टूटना नहीं चाहिए जब ये आप दिखा रहे होंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप बोलोगे कि मैं कमर के पीछे लेके जा सकता हूं और कमर से बाहर भी कर सकता हूं तो आपको क्या करना है जैसी इस रॉप को पीछे लेके जाओगे तो पीछे क्या करना है यहां से ये रॉप को लेना है यहां से इस रॉप को लेना है ऐसे ऐसे होनी चाहिए पीछे रॉप ऐसे तो ये क्या हो गया जो हमने सिंगल धागा बांधा था उस पे सहायता से अटक गया तो आपको क्या करना है जैसे रस्सी पीछे ऐसे लेके जाओगे तो पीछे क्या करना है ऐसे 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 करना है पीछे का जो कुछ सिरा है इस प्रकार से होगा इस प्रकार से ठीक है पीछे का जो रस्सी रहेगा इस प्रकार से होगा और आगे जो है आपको ऐसा दिखाई देगा तो ध्यान रहे मैंने क्या बोला कि धागे पे जब आप ऐसे दिखाओगे नॉर्मली तो पीछे ऐसे नहीं बांधना है ऐसे ही नहीं करना है ऐसे ही नहीं करना है आपको क्या करना है चीटिंग क्या करनी है कि जहां पे आपने धागा बांधा हुआ है आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पता रहेगा वहां पे पीछे लेते जाते टाइम आपको यहां से ऐसे मतलब एक बार यहां पे दिखा देता हूं यहां से ऐसे मतलब ऐसा होना चाहिए ठीक है ऐसा पीछे हमारे पीठ के पीछे जो है ऐसा एक सिरा बनना चाहिए तो जैसे ही पीछे लेके जाओगे तो ऐसे करने का ऐसे ऐसे तो आप लोग देख सकते हो जब इस प्रकार से कर दोगे ऐसे ऐसे कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो ये धागा है यहाँ पे ये बहुत ही हल्का रहता है मतलब इतनी पावर नहीं रहती है इस पे तो आपको क्या करना है दोनों की गांठ नहीं मारनी है क्योंकि दोनों की गांठ मारोगे वो तो टूट जाएगा पर रस्सी पे गांठ नहीं मरेगी रस्सी अलग अलग हाथ पे आ जाएगी तो आपको क्या करना है पहले एक की गांठ मारनी है और फिर दूसरे की गांठ मारनी है ओके दोनों रस्सी की अलग अलग गांठ मार के आप लोग देख सकते हो पीछे से जो है धागा आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे से भी धागा यहाँ पे है तो आपको क्या करना है बैकग्राउंड में तो कोई नहीं देखता है सब आगे से देखते हैं तो ये जोर से प्रेस करना है एक बारी जैसे ही प्रेस करोगे रस्सी जो है गांठ मार के आपके हाथ पे आ जाएगी ऐसा लगेगा रस्सी जो है आर पार हो चुकी है तो यार उम्मीद करता हूं आपको ये मैजिक अच्छा लगा होगा यार तो कैसा लगा ये मैजिक
एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस करने से क्या होगा, जब मैं कोई नई और कमाल की इंटरेस्टिंग मजी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाएगा सबसे पहले, आप उसे देख पाएंगे सीख पाएंगे। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आईडी मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी, जाके फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट मजी ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।